कि उसका मूड ही बदल जाए। तो यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। क्या है उसको प्यार में बतवा लेते होते थे क्या होगा? क्या होती है सेमेस्टर का फर्स्ट डे था और ऊपर से जॉर्ज देखो इतनी हरकत है। सही सही आईफोन ले रहा है नहीं तो क्या मतलब है सही ले नहीं सकता आईफोन सही ले सकता है। मेरा फीस लेने का दिल ही नहीं करता किसी भी इंस्टीट्यूट में। मैं कॉलेज में लेके जाता था फीस I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't. Assalamualaikum everyone. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं पहले जरा बाल अपने ठीक कर लूं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। तो आज है मेरा न्यू सेमेस्टर का पहला दिन, सो आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए पहले कपड़े निकाल लेते हैं, नाश्ता वगैरह भी करना है। सो लेट्स सी व्हाट पहनना है आज। नया सेमेस्टर है और पहला दिन है तो कुछ नया पहन लेते हैं। ये वाला इसका टैग शैग उतार लेते हैं अभी। कुछ लोग होते हैं जो कि रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने क्या पहनना है सुबह। वो कौन से लोग होते हैं? मैं तो नहीं करता, क्योंकि मतलब कि अगर बंदा रात को करके सोए तो सुबह उठ के उसका मूड ही बदल जाए। तो अभी मैं करने लगा हूँ नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद तैयार होते हैं, और तैयार करने के बाद फिर यूनिवर्सिटी में आपसे मिलते हैं जी। तो यूनिवर्सिटी पहुँचाए, गेट पास आ गए, ज़रा कार्ड भी चेक कर लें कि पास है कि नहीं। पास ही है। सो आज तो मतलब कि इतना रश है यूनिवर्सिटी में, पार्किंग पे तो लाइनें, बाइक्स और गाड़ियाँ। यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं, आज तो उन्होंने फर्स्ट डे आने वाले बेचारे बच्चों को गेट पे ही लाइनें लगवाई हुई हैं, चेकिंग पे चेकिंग, आईडी कार्ड और स्लिप्स और सब कुछ। चलो हैर है फर्स्ट ईयर वालों, कुछ दिन क्या हाल है? ठीक है। तो कुछ दिन आप लोग को ये देखना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो जाएगा। और ये जो बैग मैं लेके आया हूँ ना, आई वाज थिंकिंग कि लेके आऊँ वहाँ लेके जाऊँ, तो लेकिन मैं फिर ले आया हूँ आप लोग की वजह से। क्यों? क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी थी तो मोबाइल की बैटरी ऑब्वियसली ख़त्म होनी थी, तो इसमें मुझे पावर बैंक डालना था। आई एम फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल टू पुट द स्टफ इन द पॉकेट्स एक्सेप्ट मोबाइल। तुमने मुझे बोल मेरे पास इतनी पहले एनिमेशन की क्लास में थी, कितने अच्छे अच्छे क्लिप्स हैं उसके पहले अपने वीडियोस में डाल, सेल्फी लेते हैं सबके साथ। वही ना, मतलब कि हम कैमरा पे हाथ मिलाते हैं और हमें रैगिंग करनी है जूनियर्स की, और देख हमारे साथ क्या हुआ है जी। तो वही अटैम्प्ट इन द क्लास, मतलब क्लास अभी खत्म नहीं है, हमें असाइनमेंट मिली है वो करनी है। लेकिन आते साथ मतलब कि ये क्या हुआ है, हम तो हमारे साथ तो फ्रैंक हो गया। हमारा आज सेमेस्टर का फर्स्ट डे था और ऊपर से जॉर्ज देखो इतनी हरकत, इतनी आवाम आज इधर आई हुई है कि मैं आपको तो क्या। इन लोगों ने तो जाना, तीनों गेट्स अंदर घुसा रहे थे ये लोग, एक से तीन लोग। तो क्यों इस दफा इन्होंने एडमिशन कैंसिल नहीं? नहीं नहीं, एडमिशन कैंसिल नहीं की है इस दफा, एडमिशन ज्यादा नहीं है, इतना मेरिट कोई भी था। ओए अच्छा, तो एक बात बताऊँ, हमसे सीनियर कोई भी नहीं है ना अभी यूनिवर्सिटी में, मल्टाइम में, मतलब कि हम सीनियर हो गए यार। हैं यार, सेवंथ सेमेस्टर, पता ही नहीं चल रहा, मजाक में सीनियर। नाइस कवर है, तूने तो मोबाइल ले लिया था। किधर है वो? देखा नहीं, लॉग में देखना था ना। देखा था मैंने। हाँ तो फिर मैंने स्पेशली कॉल देखा, मैंने बोला सही आईफोन ले रहा है। नहीं तो क्या मतलब है, सही ले नहीं सकता है। सही ले सकता है बट नॉन पीपी। नहीं मैं नहीं पीपी। बड़ा ओ बड़ा
हाँ जी अच्छा इसको पता है इसको बुला रही बुढ़ा मुझे बुला रही है असाइनमेंट्स का मसला है यहां पे तो असाइनमेंट करेंगे तो असाइनमेंट करने में ही तो मजा आएगा ना क्या हो गया तुम चलो फिर करो अभी मेरी भी करो तो वैसे तुम सब लोग ने फीस जमा करवा दी मेरा भैया बंद करा फीस जमा करा मैंने अभी चालान भी ले लिया पता नहीं देते हैं कि नहीं डेट भी गुजर गई है नहीं सीरियसली चल हम नहीं वो तो पता है असाइनमेंट करते हैं सेम कुछ ऐसा के ना फीस की जो है जी डेट और लिमिट दोनों खत्म हो चुकी हैं लेकिन मैंने अभी तक चालान फॉर्म भी नहीं लिया तो अभी चालान फॉर्म का पता करते हैं अगर मिलता है तो फिर फीस जमा करवानी है क्योंकि सेमेस्टर तो स्टार्ट हो गया और फीस तो देनी है और तुम्हारा क्या इशू है बैंक में इशू बना होगा अच्छा कौन कौन से कैमरा है कौन कौन से है बताए फिर सब तो है ही नहीं किसी के पास तो नहीं दो चार बच्चों के पास जिनके पास जाने तो उन्हें होल्ड लेने मैं एक दो दफा चक्कर लगा कर आया हूँ देख क्या फैसला लेने का क्या इरादा कब लेना बस इंशाल्लाह एक दो महीने तक या तो दिसंबर तक वेट कर रहा हूँ अगर दिसंबर तक बाहर से आएगा तो बाहर से ले लूँगा वरना फिर तो उधर से कौन से देख के आए सोनी के या दूसरे भी कुछ देखे चालान फॉर्म मिल गए और ये देखें इधर बी ओ पी लिखा है लेकिन पहले इधर एक साइड पे बी ओ पी होता है एक साइड पे एच बी होता है एच बी एल और ये है एच बी एल तो अगर एच बी एल होता तो हमारे लिए कितना इधर से ही ना चले इधर से चलते हैं उधर ज़्यादा रश होगा हमारे लिए बहुत ईजी होना था कि इधर ही करवा देना और अब बी ओ पी है जो वो यूनिवर्सिटी के दूसरे एक कोने में है उधर जाके अब फीस जमा करवानी है और फीस का सीन ये है कि फीस ना मैं स्टार्टिंग से ही मेरा फीस लेने का दिल्ली नहीं करता किसी भी इंस्टीट्यूट में मैं कॉलेज में लेके जाता था फीस मेरा भी नहीं दिल करता मैं कहता मतलब इतने पैसे क्यों फजूल में मैं हाँ कॉलेज में मैं लेके जाता था फीस है यकीन मान और दोबारा पॉकेट में डाल के घर डेट गुजरती है गुजरती जाए नो प्रॉब्लम तो बहुत लेट रहता था अभी भी जितने भी सेमेस्टर गुजरे हैं ना तो सब में मतलब कि मैंने फीस ना है नहीं लास्ट डेट को जमा करवाई है और इस दफ़ा तो डेट भी गुजर गई है मुझे था कि चालान फॉर्म लेने जाएंगे मैम बोलेंगे पहले उन्हें देंगे वो साथ और मांगेंगे फाइन हाँ नहीं पर ये है कि फाइन इतना नहीं है ना 40-50 ही है तो चलेगा फीस जमा नहीं करवाई हम दोनों ने क्योंकि इतना शदीद किस्म था रास्ता उधर एटीएम के बाहर भी और बैंक के बाहर सारे फ्रेशर्स बैठे हैं हाँ हमें लगा कि डेट गुजर गई हुई है तो बस हम दो ही होंगे जाके जाएंगे आराम से फीस जमा करवाएंगे हमें क्या पता हमारे जैसी आवाम और भी बड़ी जलील हो रही तो फीस जमा नहीं करवाई इसमें हमारा तो कोई सोनिया ब्लाइन है कम करें तो हम फिर करवा लें ऐसे तो नहीं करवाएंगे हम डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे तो हमें थोड़ी सी लग गई प्यास और हमने जो थोड़े स्नैक्स और पानी शानी लिए इधर बैठ के खाते हैं उसके बाद जाएंगे असाइनमेंट्स करेंगे और दोबारा 2:30 बजे क्लास में जाना है सच अ हेक्टिक डे है इस सेमेस्टर का पहला दिन ही इतना रश यार किधर जा रहा है इतना रश पहले तो हमारे जब हम आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में इतना रश था तब भी नहीं था अजीब वियर्ड सी फीलिंग नहीं आ रही जगह जगह पे लोग जगह जगह पे लोग पोस्ट सीनियर बस में हाँ पिंडी से जब मैं आया था हैं के बारे में कुछ बताया बताया ये है जी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का डिपार्टमेंट और अब हम यहाँ पे आएंगे किसी दिन अपने जूनियर से मिलने जिस दिन हमें टाइम मिलेगा ये एंड दिस इज़ अवर रीसेंट डिपार्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट की ये भी बात अच्छी है कि ये बाकी सारे राउंड से ना अलग है इतना रश इधर नहीं होता जितना कि बाकी पूरी यूनिवर्सिटी में होता है कर लिया असाइनमेंट हैं बच्चा है ऐसा कहता है जूनियर्स को बुला के ना हम कहते हैं हमने शॉर्ट्स लेने हैं चलो आओ आप लोग को भी चल जैन हम लोग चलते हैं क्या हुआ पहले असाइनमेंट कर यार तू जैन चलते हैं नहीं हम असाइनमेंट करने ना उधर गेट वाली साइड पे चले अभी हम आए हैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने बसेस वाले एरिया पे और कैफे वाले एरिया में ये सारे शॉर्ट्स लिखे हुए हैं ये इसमें सारे शॉर्ट्स लिखे हुए हैं जो कि हमें लेने और फिर इन्हें सबमिट करवाना है सो लेट्स डू गाइस राइट नाउ वी आर हेयर टू फुलफिल आवर असाइनमेंट ले लिया शॉर्ट अभी जब ये वाली निकलेंगे ना तब ये बसेस का एरिया तो ये एरिया कब देखने वाला होता है 5 बजे या फिर सुबह 8 बजे ओहो और अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी सारे आए हुए हैं बच्चे जो कांट इमेजिन के यहाँ पे कितने धक्के पड़ते हैं आई एम हैप्पी कि मैं बस के नहीं आता चलो बता चलो ये वाला वाइड अभी पूरे 2 बज चुके हैं और 2:30 बजे हमने जाना है दोबारा क्लास में अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके लेकिन अभी तक मेरे पास ये सिर्फ 5 शॉट हुए हैं अभी और बहुत से रहते हैं तो लेट्स सी आधे घंटे में कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं तुम्हारे कितने हो गए
मेरा शॉट लेना, चलो लोकेशन चेंज। राइट नाउ इट्स 2:25 एंड वी आर स्टिल वर्किंग। उफ 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 उफ। राइट नाउ वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स अवर क्लास। इट्स करेंटली 2:30। जब उससे कुछ टाइम ऊपर हो गया हो गया, सारे शॉर्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, कुछ रह गए, बट अब चलते हैं क्लास। हैव यू सीन द टाइम टेबल? व्हाट इज दिस? आर यू प्रोवाइडिंग नशा? ये क्या है? अपने मुंह के अंदर रखने बड़ा सा मोड़ने से दे दो तीन दिन प्लास्टिक खुद ही मिक्स हो जाएगा, बाहर ना जाए। टूथपेस्ट तो इससे क्या होता है? वैसे माउथ फ्रेशनर है, इसलिए टूथपेस्ट है स्वाद में। तो जी राइट नाउ हमें 3:30 तक का टाइम मिल गया, ताकि जो हमारे और शॉर्ट्स रहते हैं वो मिल गए थे कि गो एंड कंप्लीट। तो अभी सब बच्चे हो कर जैनी इज वेटिंग फॉर मी कि मैं सीधा हूँ और इसने शॉर्ट्स। एक काम करना। हाँ पहले मुझे बताओ, हाउ वाज़ द योर फर्स्ट डे ऑफ 7th सेमेस्टर? डिप्रेस्ड। हाउ यू फील टू बी अ सीनियर? डिप्रेस्ड। हे ब्रो। जी ब्रो। तू आजकल बड़ी क्लोज फ्रेंड में लगा के स्टोरियां लगा रहे हैं, हमने उसको देखा। दुखी दुखी। हाँ वो जो सही दुखी वाली है ना रील्स, वो क्लोज फ्रेंड में करके लगा रहा था मैं। तू क्या हो गया है? क्या होती है जो तुम्हारे डिप्रेशन का खत्म होने पर है? आज का व्लॉग हम जहाँ पे एंड करते हैं, ये अजीब किस्म का दिन था, कुछ समझ नहीं आया। सो होप सो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन सेट हो जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।